नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। समय पर बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने वाले को मिलेगा ब्याज। नियोजित शिक्षकों के पास ट्रांसफर के लिए होगा विकल्प। शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजी रिक्तियां। दसवीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त, कदाचार मामले में इतने परीक्षार्थी निष्कासित। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अर्धशतक। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बेगूसराय में सिमरिया धाम प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया धाम प्रोजेक्ट का बेगूसराय में उद्घाटन किया। यहां 1000 से अधिक योजनाओं का लोकार्पण हुआ। आपको बता दें कि इसमें सिमरिया धाम में कटाव निरोधी कार्य, सीढ़ी घाट के साथ साथ फ्रंट के विकास काम का लोकार्पण आदि शामिल है। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे और इनके साथ संजय झा भी मौजूद थे। मालूम हो कि सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है और यहां भक्तों के लिए सीढ़ी घाट और रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य जारी है और इसके अलावा चेंजिंग रूम, सुरक्षा घेरा, शौचालय, 3 मंजिला धर्मशाला, पार्किंग आदि का विकास कार्य हो रहा है। बिहार के विश्वविद्यालय अब के पाठक के पैटर्न को करेंगे फॉलो। बिहार के विश्वविद्यालय अब के पाठक के पैटर्न को फॉलो करेंगे। दरअसल विश्वविद्यालय के साथ ही अभिभूत और समृद्ध कॉलेज की शैक्षणिक और गतिविधियों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। 12 अलग अलग समूह का निर्माण किया गया है और इसके लिए पदाधिकारी भी तय कर लिए गए हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पदाधिकारी और कॉलेज के प्राचार्य से जानकारी इकट्ठा करेंगे और शैक्षणिक संस्थान के पाठक के आदेश के बाद पठन पाठन की गतिविधियों की जानकारी साझा करेगी। सभी सरकारी स्कूलों में ये काम पहले से ही जारी है और इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या की भी जानकारी ली जाती है। ग्रामीण इलाकों में भी जल्द एक कॉल पर आएगी पुलिस और फायर ब्रिगेड। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी जल्द एक कॉल पर एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाएगी। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने इसे लेकर जानकारी दी है। बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में मिलने वाली डायल 112 की सुविधा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलेगी और इसके दूसरे चरण को जल्द ही लॉन्च किया जाने वाला है। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर लक्ष्य को तय कर लिया और साथ ही गाँव के साथ साथ शहर में 20 मिनट के अंदर पुलिस या एम्बुलेंस सहायता पहुंच जाए, इसकी तैयारी जारी है। आपको बता दें कि डायल 112 की सुविधा में अग्निशमन सेवा को भी दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। पटना डोभी एनएच के बाईपास निर्माण कार्य को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। पटना डोभी एनएच के बाईपास के निर्माण कार्य को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया। कोर्ट ने काम में हो रही देरी को लेकर सवाल किया और मालूम हो कि पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग में जहानाबाद, मखदुमपुर और गया बाईपास के निर्माण कार्य में देरी हुई और कोर्ट ने इसे लेकर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा है कि ये निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा। एनएचआई को जहानाबाद और गया में बनने वाली दोनों आरओबी के बारे में कोर्ट ने पूरी जानकारी देने का आदेश दिया और इसके साथ एनएच में पड़ने वाले मंदिरों को जल्द से जल्द हस्तांतरित करने की बात कही। आपको बता दें कि जहानाबाद, मखदुमपुर और गया शहर में बनने वाली बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी का आदेश है। बिहार में जिला परिषदों में 300 से अधिक पदों पर भर्ती। बिहार के जिला परिषदों में 349 पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग इसके लिए जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों को जानकारी भेज देगा। विभाग की ओर से सहायक अभियंता, अवर अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक सहित 6 अलग अलग पदों पर भर्ती ली जाएगी। वहीं इससे पहले उपयोगिता नहीं रहने के कारण जिला परिषदों में 2,554 पदों को सरेंडर कर दिया गया था और जिला परिषद के कार्यालय में तकनीकी कोचिंग के अलग अलग स्तरों पर पूर्व से स्वीकृत पदों के अलावा 349 पदों को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। वहीं पंचायती राज विभाग की समीक्षा में ये बात निकलकर सामने आई कि जिला परिषद में कई ऐसे पद स्वीकृत थे जिनकी उपयोगिता नहीं थी, कुछ श्रेणी में अतिरिक्त पदों की जरूरत है। नियोजित शिक्षकों के पास ट्रांसफर के लिए होगा विकल्प। बिहार में नियोजित शिक्षकों के पास ट्रांसफर के लिए 3 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसे लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जब समुचित रिक्तियां होगी इसके बाद पदस्थापन मिलेगा और शिक्षकों के पास अगर पसंद के जिलों के विकल्प नहीं बचते हैं तो उन्हें पसंद के विपरीत दूसरे जिलों में जाना होगा। विधान परिषद में 8 सदस्यों के ध्यान आकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के भ्रम को शिक्षा मंत्री ने दूर किया। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। यहां समुचित रिक्तियां होगी।
बिहार में बाढ़ सुखाड़ से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया लोन। बिहार में बाढ़ सुखाड़ से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 3,090 करोड़ का लोन दिया। बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना को 4415 करोड़ की अनुमानित लागत पर 6 सालों में पूरा करने का प्रस्ताव है। जल प्रबंधन योजनाओं के लिए विश्व बैंक ने लोन दिया। इस योजना से जल जीवन हरियाली अभियान के साथ ही हर खेत तक सिंचाई के पानी के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। विभाग के अली वार्निंग सिस्टम को और बढ़िया किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं में से एक है और वित्त मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दी थी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त, कदाचार मामले में इतने परीक्षार्थी निष्कासित। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का आखिरी दिन कल था और बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 15 से 23 के बीच कुल 171 परीक्षार्थी नकल करते हुए निष्कासित किए गए। वहीं 73 फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान पकड़े गए। नकल के आरोप में सबसे अधिक परीक्षार्थी नालंदा जिले में निष्कासित किए गए। यहां से 36 और इसके बाद भोजपुर का स्थान रहा है। आपको बता दें कि भोजपुर से कुल 33 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए और उसके बाद गया से 19, सहरसा से 18, सारण से 15, गोपालगंज से 13 और जहानाबाद से 9 के साथ साथ 21 जिलों से कदाचार मामले में 10वीं के परीक्षार्थी निष्कासित हुए। इसके अलावा पकड़े गए 73 फर्जी परीक्षार्थी। आपको बता दें कि 73 फर्जी परीक्षार्थी 13 जिलों से थे। इन फर्जी परीक्षार्थियों में सबसे अधिक संख्या लखीसराय में देखी गई। यहां से कुल 29 परीक्षार्थी पकड़े गए। कार्य क्षेत्र में विस्तार को देखते हुए 176 पुलिस चौकियों का थाने में परिवर्तन। बढ़ते अपराध पर नकेल कसने और त्वरित करने के लिए पुलिस चौकियों का उन्नयन बिहार में हो रहा है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में करने की गृह विभाग ने अपनी स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि बिहार में अपराध और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से 129 अनुमंडल में से 43 अनुमंडल अति संवेदनशील माने जाते हैं और इन 43 अनुमंडलों में से अधिकतर अनुमंडल जिला मुख्यालय के सदर अनुमंडल है, जहां सबसे अधिक शहरी आबादी देखने को मिलती है। कार्य क्षेत्र का विस्तार देखते हुए 176 ओपी थाना क्षेत्र को थाना बनाने का आदेश है और कुछ समय पहले ही सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन दिया था। जहां बीओपी को थाना में परिवर्तित किया गया है, वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे, साथ ही मामले का अनुसंधान भी किया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजी रिक्तियां। शिक्षक भर्ती की फेज 3 की परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को रिक्तियां भेजी है। तीसरे चरण में 47,774 पदों की नियुक्ति भेजी जाएगी। आपको बता दें कि आयोग को विषयवार और कक्षा के अनुसार रिक्तियां भेज दी गई। इसमें कक्षा 5 में 28,216, छठी से 8वीं तक में 19,615 और 9वीं से 10वीं तक में 16,970 और साथ ही 11वीं से 12वीं में 22,373 पद सृजित हुए। विशेष शिक्षकों के लिए 65 पद सृजित है और प्राथमिक कक्षाओं में पुरुषों के लिए 15,359 और जबकि महिलाओं के लिए 12,567 पद आरक्षित है। समय पर बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने वालों को मिलेगा ब्याज। बिहार में अब फ्री बिजली नहीं मिलेगी। इसकी घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली झारखंड राज्यों की ही तरह अब बिहार में फ्री बिजली नहीं दी जाएगी। वहीं उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने पर ब्याज देने का ऐलान ऊर्जा मंत्री ने किया है। ये ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि वीआईपी लोग ही गड़बड़ करते हैं, गरीब लोग समय पर अपना बिजली का भुगतान कर देते हैं। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सिस्टम को ठीक करने के लिए ही सख्ती बरती जा रही है। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि बगल के राज्यों और बिहार में भी बिजली की स्थिति देखी जाएगी। यदि इन राज्यों से बिहार का बिजली बिल महंगा हुआ तो उसे सस्ता किया जाएगा। के पाठक ने हेडमास्टर को किया सस्पेंड। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भागलपुर के डुमरिया स्कूल पहुंचे और यहां उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्कूल का शौचालय काफी गंदा था और इसे देखकर के पाठक भड़क गए। हेडमास्टर से के पाठक ने सवाल किया कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। हेडमास्टर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और इसके बाद के पाठक ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्रवाई का आदेश दिया और इसके साथ ही हेडमास्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। जीतन राम मांझी ने चुनाव में जीत के बाद 30 एजेंडे को लागू करने का किया दावा।
हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने चुनाव में जीत के बाद 30 एजेंडे को लागू करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में जीत के बाद वो 30 एजेंडे को लागू करेंगे। उन्हें बिहार की 40 सीटों पर जीत का एजेंडा तय किया गया है। आपको बता दें कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए को 200 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात जीतन राम मांझी ने कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि यदि हम के 40 विधायक जीत जाते हैं तो इसमें 34 बिंदुओं का एजेंडा शामिल है। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो गरीबों का काम करवाएंगे। धरती पर सिर्फ दो जाति है, एक अमीर और दूसरा गरीब। पूर्व सीएम ने कहा कि हम पार्टी केवल गरीबों की बात करती है। पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। आरसीपी सिंह ने के पाठक को लेकर दिया बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने के पाठक को लेकर बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार में विद्यालयों के समय को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में स्पष्ट कर दिया कि स्कूल का समय 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का होगा और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा सीएम के आदेश का पालन नहीं हो रहा है और यह कहीं से भी उचित नहीं है। साथ ही ये सीएम के आदेश का उल्लंघन है। विद्यालय के शिक्षक किसी सामान्य दफ्तर के कर्मचारी नहीं है। उनका दायित्व विद्यार्थियों को ज्ञान देना होता है और शिक्षक ज्ञान के दाता है। उनका मनोबल हर एक प्रकार से बढ़ाने की जरूरत है और इससे वो पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अर्धशतक। इंग्लैंड बनाम इंडिया के चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जड़ दिया और उनके साथ रजत पाटीदार क्रीज पर बने रहे। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 353 रन बनाया। जो रूट ने इंग्लैंड के लिए शतक बनाया और उसके बाद भारत की पारी जारी है। भारत को 112 रन के बाद पहला झटका लगा था। रोहित शर्मा और शुभम गिल के बाद रजत पाटीदार आउट हुए और फिलहाल भारतीय टीम का 4 विकेट गिर चुका है। वहीं इंग्लैंड की टीम ने चौथे टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी की और पहली पारी में टीम 353 रन पर ऑल आउट हो गई थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया और जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश श्रीदेव, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, मधु प्रसाद, रामनवमी मांझी, सदुल्ला पालवी, गिरजा मंडल, राजकिशोर महतो, संघर्ष कुमार, विनोद महात्मा, मनोज कुमार राम, नौशाद रजा, मुस्कान कुमारी, आयुष रैना, हरिशंकर पटेल, गुणर शर्मा, उदय कुमार। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इंग्लैंड बनाम भारत के टेस्ट मैच में मौजूदा हालात को देखते हुए किसका पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।